लखनऊ शहर को कौन नहीं जानता। ये शहर अपनी खास नज़ाकत और तहजीब के लिए जाना जाता है। साथ ही ये दशहरी आम और चिकन के काम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ भारत की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो आज हम इसी लखनऊ शहर की 10 सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध पुराने कॉलेजों में से एक। इस कॉलेज की इमारत आपको ब्रिटिश काल के दौर में ले जाएगी। इस कॉलेज का निर्माण 1845 में हुआ था। यहाँ से कई नामी ग्रामी हस्तियों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, जो आज देश विदेश में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर गदर फिल्म का हैंडपंप वाला सीन फिल्माया गया था। नंबर 9, रीजनल साइंस सिटी। रीजनल साइंस सिटी लखनऊ के अलीगंज में मौजूद एक बहुत ही अच्छा साइंस पार्क है। ये पार्क बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ खेल खेल में काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर आईमैक्स और 3D मूवीज के शो भी होते हैं, जिससे आप ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। नंबर 8, लखनऊ के पार्क। लखनऊ शहर अपने पार्क और बगीचों के लिए भी खास जाना जाता है। यहाँ हर सरकार कोई ना कोई बड़ा उद्यान बना जाती है। कुछ ऐसे ही पार्क हैं, अंबेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क। अगर आपको बोटिंग के मजे लेने हैं तो आप हसनगंज में स्थित बुद्धा पार्क में भी जा सकते हैं। नंबर 7, दिलकुशा कोठी। दिलकुशा कोठी शहर के हरे भरे दिलकुशा गार्डन में बना सन 1800 का अंग्रेजी बंगला है। हालांकि वक्त के बदलाव के चलते आज उस कोठी का यहां खंडर रह गया है। 1857 के आक्रमण में इस कोठी पर तोप के गोले बरसाए गए थे। यहां पर आप आकर सुकून का एहसास करेंगे। नंबर 6, चंद्रिका देवी मंदिर। लखनऊ से होकर गुजरने वाली गोमती नदी के किनारे सीतापुर मार्ग पर ये मंदिर मौजूद है। ये मंदिर माँ दुर्गा के दूसरे रूप चंद्रिका देवी को समर्पित है। अमावस्या और नवरात्रों के दौरान यहाँ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं ये मंदिर 300 साल पुराना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलिए। ये प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है और आप देख पाएंगे हमारी वीडियो सबसे पहले। नंबर 5, ब्रिटिश रेजिडेंसी। ब्रिटिश रेजिडेंसी दरअसल अंग्रेजी जनरल और बाकी अफसरों का घर हुआ करता था। इस जगह पर 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों ने लखनऊ के विद्रोह के दौरान हमला कर दिया था। यहाँ पर कई तोपों और तोपों के गोले संभाल कर रखे गए हैं। इसके तहखाने जहाँ जाकर आपका रोम रोम कांप उठेगा, वहीं इसके शांत और हरे भरे बगीचे में बैठने पर आप हल्का महसूस करेंगे। नंबर 4, लखनऊ जू। लखनऊ का चिड़ियाघर 1921 में अंग्रेज शासक के लखनऊ आगमन के स्वागत में स्थापित किया गया था। 72 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए इस चिड़ियाघर में बहुत से प्रजाति के जानवर हैं। मनोरंजन के लिए यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी है, जो यहाँ पूरे जू का चक्कर लगाती है। इस जू के अंदर राजहंस नाम का विमान भी पार्क है, जिस पर कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने सफर किया है। इसके साथ जू में म्यूजियम भी है, जिसमें हजार साल पुरानी ममी मौजूद है। नंबर 3, अमीनाबाद। अमीनाबाद लखनऊ की एक मुख्य मार्केट है। यहाँ पर आपको घर के साजो सामान से लेकर पहनने के लिए एक से एक अच्छी कारीगरी वाले सूट मिल सकते हैं। आप ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ मोल भाव काफी होता है और कई बार चीज बताए गए दामों के आधे दाम पर मिल जाती है। यहाँ पर खान पान के लिए पापड़ी चाट, कबाब जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों की कई सालों पुरानी दुकानें हैं। नंबर 2, बड़ा इमामवाड़ा। लखनऊ में मौजूद एक बहुत ही विशाल भूल भुलैया है, जिसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसिफ उद्दौला ने कराया था। ये एक अनोखी जगह है, जहां पर इसके अंदर के मुश्किल रास्तों में खो जाने का मजा दुगना हो जाता है। इसके रास्तों का एक सीक्रेट ये है, अगर आपको बाहर निकलना है तो आप नीचे की बजाय ऊपर का रास्ता खोजें, क्योंकि इसकी छत से एक रास्ता सीधा बाहर को जाता है। बड़े इमामबाड़े के पास एक बावली भी बनी है, जहां कहते हैं कि खजाने की चाबी फेंक दी गई थी। और बड़े इमामबाड़े के नीचे से कहते हैं कि सुरंगें कई गुफाओं से दूसरे शहर तक जाती है। नंबर 1, हजरतगंज। लखनऊ शहर के बीचों बीच मौजूद है हजरतगंज, जो कि लखनऊ शहर का दिल कहलाता है।
यहाँ पर आप हजरतगंज की मार्केट में नवाब बनकर शॉपिंग कर सकते हैं या फिर यहाँ के सहारागंज मॉल मॉडर्न हजरतगंज का मजा ले सकते हैं। हजरतगंज में चाट पकौड़ी के शौकीन लोगों के लिए शुक्ला चाट या फिर रॉयल कैफे, बास्केट चाट जैसी ढेरों विकल्प मौजूद हैं। हजरतगंज में कैफेटेरियल भी है जहाँ पर काफी हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। हजरतगंज में घूमने को यहाँ की भाषा में गंजिंग कहते हैं। क्या आपको पता है लखनऊ में मेहमान नवाजी को प्राथमिकता दी जाती है जिसको पहले आपकी परंपरा से जाना जाता है। अब जब आप जान गए हैं लखनऊ के बारे में इतना कुछ, तो अब आप बताइए कि क्या आप लखनऊ जा चुके हैं और आपको लखनऊ की क्या बात पसंद है।